अम्बाला में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला अम्बाला के बंधु नगर से सामने आया है, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फाइनेंसर कंपनी के कर्मचारी पर उस दौरान फायरिंग की जब वो कैश कलेक्ट करके बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान तीन आरोपियों ने फायरिंग, जिससे अवतार के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। और आरोपियों ने मौके का फायदा उठाया और उसके पास मौजूद सारा कैश लेकर फरार हो गए। तीन बंदे थे बाइक पे। तो पीछा कर रहे थे ये आपका? पता नहीं, आज पीछा ही कर रहे होंगे। तो कहाँ मारी गोली इन्होंने? टांग में मारी। कितना कैश ले गए? कैश का कुछ आइडिया नहीं था। लगभग कोई अंदाजा? लगभग 5-6 ऐसा कुछ होगा, 5-6 लाख। टांग में मारी? हाँ जी, टांग में मारी गोली। हाँ, टांग में दो बार की। आप अकेले ही थे? हाँ, मैं तो अकेला था। किसी का कुछ नहीं पता लगा कितना लूट के लेके गए हैं। ये लड़का हमारा कैश कलेक्शन का काम करता है। ये इधर अपना NH एरिया में कैश कलेक्शन करके आ रहा था, इसका किसी ने पीछा किया और पुल के नीचे इसको गोली मार दी गई है। अभी हॉस्पिटल में है, अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या नाम है इसका और क्या लगा बताइए? अवतार सिंह है, ये कैश अफसर का काम करता था। जानकारी के मुताबिक अवतार सिंह अपनी बाइक से कैश लेकर जा ही रहा था कि बंधु नगर के पास उसका पीछा कर रहे बाइक सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो बाइक से नीचे गिर गया, जिसके बाद आरोपी पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान राहगीरों ने अवतार सिंह को अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उसे इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। बंधु नगर के पास एक घटना घटी है, जिसमे एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे तीन लड़कों ने, एक CDS सिक्योरिटी कंपनी का एक लड़का एम्प्लॉयर है, उसके गोली मार के उसका कैश छीना है। कैश सभी कितना छीना है उसका नहीं पता, लेकिन लग रहे हैं इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। लड़का अभी स्टेबल है, उसकी टांग में गोली लगी है। जिनको गोली लगी वो कहाँ के है? वो मुन्ना रेड्डी का लड़का है, अवतार सिंह नाम है उसका। कितना कैश था जी? अभी उसका बताया नहीं गया कैश कितना, वो काउंट करके बताया। सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? अपने कलेक्शन करके ला रहा था और बैंक की तरफ जा रहा था कैंट में। CDS सिक्योरिटी कंपनी ये कलेक्शन करती है जो लूट की सूचना मिलते ही फाइनेंस कंपनी के मैनेजर व अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। अभी तक पता नहीं चला है कि लूट कितने की हुई है। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर, हमारे साथ लाइव।